मध्य प्रदेश में इन दिनों मामा का बुलडोजर बदमाशों पर जमकर कहर बरपा रहा है। बच्चियों से ज्यादती भूमाफिया, अवैध गतिविधियों में लिप्त बदमाशों के मकान पर मामा का बुलडोजर कहर बनकर टूट रहा है। ऐसा ही एक नजारा उज्जैन जिले के नागदा में देखने को मिला, जहां कुख्यात बदमाश सलमान लाला के मकान के 3 मंजिला मकान को एक बार फिर प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। नागदा में रविवार की सुबह एक बार फिर पुलिस प्रशासन की बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां नागदा के कुख्यात बदमाश सलमान लाला के राजीव कॉलोनी स्थित 3 मंजिला अवैध मकान को जमींदोज किया गया। दरअसल 23 जुलाई 2020 को गुंडा अभियान के तहत अतिक्रमण पाए जाने पर 3 मंजिला मकान ध्वस्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उक्त भूमि पर दोबारा अतिक्रमण कर मकान खड़ा किया गया। नगर पालिका की सर्वे रिपोर्ट के बाद दोबारा उसी मकान को ध्वस्त किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। नागदा से जनेश ओझा की रिपोर्ट।